हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल WSBCS क्लासेस। डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार LRC लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुका है जो कि आप लोग का फर्स्ट काउंसलिंग 14 को ही हो चुका है। डियर फ्रेंड, तो उसके रिगार्डिंग और आपका काउंसलिंग अभी और चलेगा। डियर फ्रेंड, तो आप लोग जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए, आपका फीडबैक किस तरह का गया, डियर फ्रेंड किस तरह का काउंसलिंग हुआ, कैसे क्या हुआ, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए इसमें बात करने वाले हैं कि इसमें जो नोटिस में जो जारी बताया जा रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, कैटेगरी में बदलाव नहीं होगा, डिसेबिलिटी में भी बदलाव नहीं होगा, प्राइवेट या स्टेट में भी जो है बदलाव नहीं होगा। तो यहां से क्लियर नहीं हो पाता, तो इस नोटिस में देख लेते हैं क्या मेंशन किया गया, पूरी बातों को इसमें देख लेते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि बिहार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पर्पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो आते हैं वेबसाइट पर, LRC के वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हो बिहार LRC के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर देख लेते हैं अपडेट नोटिस बोर्ड में। डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर काउंसलिंग, तो यहाँ पर इसे डाउनलोड सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड का परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ से डाउनलोड का परमिशन दे देते हैं और डाउनलोड ये देखिए इस तरह हो चुका है। और यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी को देख लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ सर्वे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट नोटिस, फाइल नंबर भर्ती को सांग संविधान नियोजन जो है 01/2019 जो है दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए 14/6/2019 को ये जारी हुआ था। यहाँ पर देखिए बताया जो जा रहा है, यहाँ पर शॉर्टली समझ सकते हो डिफरेंट, फर्दर टू द ऑफिस ऑर्डर नंबर 34 डेटेड 10/6/2019, द काउंसलिंग टीम इज ऑथोराइज टू मार्क्स चेंज इन द एप्लीकेशन चेकिंग सीट्स एज डिटेल इन द हैंडबुक फॉर काउंसलिंग टीम्स मेड अवेलेबल टू ऑल द पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग सीजन्स हेल्ड ऑन 13/6/2019। The counseling team will ensure all changes are correctly captured as detailed in the handbook for counseling team during the counseling process. In all such information where the information provided in applications from differs from the original documents, the counseling team will make corrections in the applications checking sheets on the basis of documents produced by the applicants on the day of counseling. Counseling and all corrections should be countersigned. यहाँ पर सारा बात देखिए बताया जो जा रहा है, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। जो ये ऑर्डर संख्या है डियर फ्रेंड, यहाँ पर 34, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 10/6/2019 को जो है सारे टीम्स के लिए जो है यहाँ पर जो है हैंडबुक दिया गया, और हैंडबुक्स के जरिए यहाँ पर बताया गया जो है पार्टिसिपेंट्स जो भी थे डियर फ्रेंड, वो जो है चेंजिंग यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन उसके बाद जो काउंसलिंग के बाद उस यहाँ पर जो बताया जा रहा है डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण सत्र के द्वारा जो है यहाँ पर 13/6/2019 को ये सारा चीज़ जो है उपलब्ध कराया गया था। और यहाँ पर देखिए सारा इन्फॉर्मेशंस भी सारा इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड किया गया था और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। और यहाँ पर बताया द काउंसलिंग टीम विल मेक करेक्शंस जो है करेक्शंस विल मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशन चेकिंग सीट्स टू द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाई द एप्लीकेंट्स वन डे ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के समय उनके सारे डॉक्यूमेंट्स का जो यहाँ पर जो है प्रोड्यूस्ड कराया गया डिफरेंट, और चेकिंग कराया गया यहाँ पर सारे चीज़ का जो है यहाँ पर उसके लिए जो है 10 को ये संख्या ये जो है बताया ऑर्डर संख्या जो इतना था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 13 जून तक ये चला था। अब यहाँ पर देखिए इट मे बी नोटेड डेट द अंडर circumstances no such changes would be done in the applicant's checking sheet at that provide benefits of reservation or category or the applicant which has not been originally filled in the applicant applications form
एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो है कैटेगरी डाला था, जो भी आपने फिलअप किया था उसमें कोई चेंजिंग आपकी नहीं होगी डियर फ्रेंड, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या सब तीन पॉइंट्स हैं, तो इस तीनों पॉइंट्स को आप लोग देख सकते हैं। आपको मैन्युअली रूप से ये इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी था। इफ़ द एप्लीकेंट्स हैज़ फिल्ड कैटेगरी एज जनरल, अगर वो जनरल डाले हैं, ही सी वुड नॉट बी मूव्ड टू एनी रिजर्व कैटेगरी अपॉन प्रोड्यूस्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के समय आपका यहाँ पर जो चाहिएगा इसका जो है कैटेगरी चेंज हो जाए, EBC हो जाए, BC हो जाए, SC हो जाए, ST हो जाए, तो उसमें कोई तरह का आपको मौका नहीं दिया जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इफ़ द एप्लीकेंट्स हैज़ फिल्ड PH एज नो, अगर वो PH नहीं दिए हैं फॉर्म फिलअप करते समय, ही सी वुड नॉट बी मूव्ड टू PH कैटेगरी अपॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के समय आपका यहाँ पर PH कैटेगरी जो चाहिएगा कि हम PH कैटेगरी वहाँ पर अपॉन मतलब डलवा लें और PH कैटेगरी से हम हो जाए, यहाँ पर सारे चीज़ कलेक्शन करवा लें, तो वो वहाँ पर आपका नहीं होगा। आपने चूँकि आपने डाला ही नहीं है PH, तो ये आपका मिस्टेक है, ये आप नहीं हो सकता है, तो ये में इसमें भी बदलाव नहीं होगा डिफरेंट। उसके बाद यहाँ पर देखिए इफ़ द एप्लीकेंट्स हैज़ फिल्ड इंस्टीट्यूट टाइप ऑफ प्राइवेट एंड एस्टेट, जैसा कि प्राइवेट और एस्टेट में आपने जो भी डाला है अदर देन बिहार, बिहार के अलावा जो डाला है, ही सीट वुड नॉट बी मूव्ड, इसे भी आप जो है चेंज नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट टाइप्स एज गवर्नमेंट एंड एस्टेट एज बिहार अपॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के समय आपका ये जो है काउंसलिंग के दिन में आपका यहाँ पर इसमें भी चेंजिंग नहीं हो पाएगा डिफरेंट, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, जो आपने दे दिया है मतलब वही आपका सफिशियंट होगा और वो आपका फाइनल होगा डिफरेंट, जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय इन तीनों बातों पर दिया था। तो यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएंगे अगर आपने कैटेगरीज में इस तरह किए होंगे डिफरेंट, या फिर यहाँ पर इस तरह के आपने किए होंगे। तो उम्मीद करते ये जानकारी आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।